हाय फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा डे 29 डेली एम सी डी एस की रिविज़न कोर्स और रिविज़न क्लासेस हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, और एक एक करके धीरे धीरे आज हमारा 29th डे हमारा आ चुका है। आपको पता है सी डी एस का एग्ज़ाम या मुश्किल से 10 दिन बचे हैं और आज हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बता दो जो लोग जुड़ चुके हैं, माई वॉइस इज ऑडिबल और नोट्स, सो वी कैन स्टार्ट। कल की क्लास में लॉर्ड डलहौजी, मैंने आपको बताया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको कराई थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी। ओके, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको स्पेशल फोकस करा था। जैसे आपको पता होगा 1853 का, 1853 का 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ था, इंडिया में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी बॉम्बे टू थाने। ओके, और लेंथ कितनी, 34 किलोमीटर, 4 कोच थे, इंजन का क्या नाम था, फेरी क्वीन, ट्रेन का क्या नाम था, ब्लैक ब्यूटी। ओके, और 1853 में टेलीग्राम सर्विस भी किसने स्टार्ट करवाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट करवाई थी। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओके, कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता से ये फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हुई थी। ओके, फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस स्टार्ट हुई थी। और 1854 में मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स वुड डिस्पैच सिस्टम आया था जो कि अपने आप में एक एजुकेशन रिफॉर्म एक्ट है और इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने वो सारे स्टेट्स मैंने आपको बताए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैपलेस के, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी सारे स्टेट्स को याद करने की, SSB उजनाक। ओके, फर्स्ट स्टेट कौन सा था, सतारा, और लास्ट स्टेट कौन सा था, लास्ट स्टेट आपका अवध था। तो बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो सारी चीज़ें अगर आपको जानी है तो एक बार लास्ट वाली वीडियो एक बार पक्का से देख लेना। आज हमें उससे आगे स्टार्ट करना है, यानी कि आज हमें लॉर्ड कैनिंग स्टार्ट करना है जिनका टाइम फेज हुआ करता था 1856 से 1862। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम योर साइड इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके, माई वॉइस इज इनफ और इनफ ऑडिबल और नॉट, सो वी कैन स्टार्ट या। तो जल्दी से बताओ। ओके, जयंत टू एवरीवन, दीपक मिश्रा, सोमनाथ सिन्हा, तनुप्रिया यादव। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी माई वॉइस इज ऑडिबल और नॉट, सो वी कैन स्टार्ट। ओके, 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 पंखुरी माथुर का कमेंट आया। ओके, यस आई एम ऑडिबल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग का जिनका टाइम फेज कब से कब तक था, 1856 से 1852, आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले सबसे पहले क्या बताया था, आपको ऐसा कुछ याद नहीं करना है, आपको ये सारे गवर्नर जनरल आपको याद नहीं करने, आपको कुछ सिलेक्टेड आपको याद करने। और सबसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया था, जो कल की क्लास में हुआ था लॉर्ड डलहौजी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लॉर्ड कैनिंग भी क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग भी क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग को भी क्या करना, आपको एक एक पॉइंट लॉर्ड कैनिंग का याद करना। ओके, एक एक पॉइंट क्या करना, आपको लॉर्ड कैनिंग का एक एक पॉइंट आपको याद करना है। ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखो, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे इसने आते क्या किया था, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1856 से। लॉर्ड कैनिंग का आप लोग टाइम देख सकते हो, टाइम पीरियड क्या है, 1856 से। इसने आते ही क्या किया था, इसने आते ही विडो रीमैरिज एक्ट ये लेकर आया था, विडो रीमैरिज एक्ट यानी कि विधवा पूर्ण विवाह एक्ट 1856 में ये लेकर आया था। ओके, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, विडो रीमैरिज एक्ट आपका ये कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। लास्ट आपका जो CAPF का एग्जाम हुआ था, तो जो आपका CAPF का एग्जाम हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, आपका यही पूछा गया था कि विडो रीमैरिज एक्ट कौन लेकर आया था। इनफैक्ट ये इसका ईयर पूछा गया था, तो ये कब आया था, 1856 में आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत और डीपी में जाना है, क्योंकि CAPF में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, CAPF में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है, तो आपको प्लेस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर CAPF में पूछा जा चुका है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईयर आपके सामने लिखा 1856, लेकिन और कौन सी जगह से पास हुआ था, ये आपका कलकत्ता से पास हुआ था। ओके, कलकत्ता से आपका पास हुआ था, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम दी कलकत्ता। 1857 में आपको पता है कि आपका वुड डिस्पैच सिस्टम आया था जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में आया था। अब उसी के तहत क्या था, उसी के तहत पास हुई थी इंडिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटी, यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी थी यूनिवर्सिटीज़ बनाने की कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच सिस्टम के तहत। और आपको बताया था कि लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि ऐसे गंदे काम करके गया था लॉर्ड डलहौजी, फ्रॉम अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसने इंडिया के अंदर क्या थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराई थी। फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डेवलपमेंट साइड, उसने इंडिया के क्या, इंडिया को एक्चुअली ही वॉज वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पर्सन, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसने डेवलपमेंट कराई भी थी, लेकिन फ्रॉम द एडमिन साइड उसने क्या किया था, इंडिया को हड़पने की कोशिश करी थी। और जो बीज बोकर गया था लॉर्ड डलहौजी, वो सारे जो बीज, वो जो जब उनके फल किसको मिला था, लॉर्ड कैनिंग को मिला था। आपको पता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैपलेस पॉलिसी जो स्टार्ट करके गया था लॉर्ड डलहौजी, उस जो बीज बोकर गया था, और वो क्रांति कब स्टार्ट हुई, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, यानी कि ठीक एक साल बाद
1857 में रिवोल्ट हुआ था। तो रिवोल्ट भी मैं आज कोशिश करूंगा कि पूरी की पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको आज खत्म करा दूं। तो कोशिश करूंगा आज मैं आपका जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो पहले एक बार ये सारे लॉर्ड जो वॉइसरॉय जो गवर्नर जनरल है इनको ख़त्म करने के बाद कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो भी मैं आपका आज ही ख़त्म कर दूँ। तो 1857 में क्या था, 1857 में आपका रिवोल्ट आपका स्टार्ट हो चुका था। एंड फर्स्टली इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द मेरठ, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। ओके, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये रिवोल्ट ऑफ 1857, अभी बस एक लाइन याद कर लो कि ये किसके टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1857 में। रिवोल्ट ऑफ 1857 एक 15-20 मिनट का, इनफैक्ट एक आधा घंटे का एक अलग टॉपिक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। बस अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। और जैसे ही रिवोल्ट हुआ था ये, तो आपको अगले साल क्या किया था, अगले ही साल क्या करवाया था आपको पता था कि क्योंकि रिवोल्ट की अगर ऐसी ऐसी घटनाएं फिर से ना हो तो इंडिया के अंदर से क्या था, ईस्ट इंडिया रूल क्या था, ख़त्म कर दिया गया था। आपको पता है कि जब ब्रिटिशर्स जब आए थे तो उनके दो फेज हम बोलते हैं, जो जब आए थे 1857 तक, फर्स्ट फेज यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, एंड सेकंड फेज 1857 से 1947। अब 1947 का क्या था, ये इसको बोला जाता क्राउन रूल, क्राउन रूल। अब क्या था, जैसे ही अब ये रिवोल्ट खत्म हुआ था, जैसे ही रिवोल्ट खत्म कर दिया गया था, आवाज़ दबा दी गई थी, ये तो सारे रीज़न पढ़ेंगे कि ये रिवोल्ट ऐसे ख़त्म कैसे हुआ था, क्या रीज़न थे, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो 1857 के बाद क्या था, क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका था। और ये क्राउन रूल किस में आया था, क्राउन रूल आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के तहत आया था, क्योंकि फिर से 1857 रिवोल्ट जैसे रिवोल्ट इंडिया के अंदर ना हो, इसी के तहत क्या था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लेकर आए थे 1858 में, जिसमें उन्होंने डिसीजन करा था कि अब इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, क्राउन रूल चलेगा। और क्राउन रूल कौन चलाएगा, जो ब्रिटेन की क्वीन होगी, ब्रिटेन की रानी होगी, ओके, ब्रिटेन की जो रानी होगी वो क्राउन रूल को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। और उन्हीं के अंडर में क्या है, उन्हीं के अंडर में एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आएगा। अभी तक जो गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर जनरल यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, अब क्राउन रूल चलने के बाद क्या था, उन्होंने एक नई पोस्ट बनाई वॉइसरॉय। और क्राउन रूल को यानी कि ब्रिटेन की रानी का एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर रहेगा इंडिया के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, उसको वॉइसरॉय बोला जाएगा। हुआ कुछ नहीं है, जो काम जो पावर्स गवर्नर जनरल के हाथों में थी, और वो सारी की सारी पावर्स, बस पोस्ट का नाम ही बदला है, वो किस पोस्ट को दे दी गई थी, वॉइसरॉय को दे दी गई थी। बस डिफरेंस ये था कि 1857 तक क्या था, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी, 1857 के बाद क्या डायरेक्टली अब ब्रिटेन की क्वीन का इन्फ्लुएंस हो चुका था इंडिया के अंदर, क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट हो चुका था। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये क्राउन रूल था, तो मैंने आपको बार बार मैं 10-12 बात ये बता चुका हूँ कि उस टाइम पे क्या था कि क्राउन रूल बोलने का मतलब क्या, जो ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी उनके तहत। तो उस टाइम पे ब्रिटेन में रानी कौन हुआ करती थी, उस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर रानी कौन हुआ करती थी, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे रानी कौन हुआ करती थी, क्वीन विक्टोरिया। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अभी मैंने बताया कि गवर्नर जनरल को क्या बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल को बोला जाने लगा वॉइसरॉय। तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी दिस थिंग इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जल्दी से बताओ, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जल्दी से बताना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Everything is going okay. My voice is inaudible or not? For the second thing कि मैं marker से कुछ लिख रहा हूँ, मतलब कि मैं marker वगैरह use कर रहा हूँ, तो जो मैं लिखता हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है, मैं marker भी तो use कर रहा हूँ यार, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि marker आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। marker जब मैं use करता हूँ वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चीज कंफर्म करना, मार्कर फिर ये कैसे हो सकता है, मार्कर नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको, मैं इस चीज का एक बार सॉल्यूशन देख रहा हूं।
यार मैं लिख तो बहुत कुछ रहा हूँ, तो ये मैंने अभी अभी पता चला कि आज आप लोगों को ये मार्कर चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बस 2 सेकंड रुको, ऐसे कैसे हो सकता है? एक्चुअली मैं आज फोक्सिट रीडर यूज़ कर रहा हूँ। किसी को पता है कि ये इसमें लिखने वाला ऑप्शन कहाँ से आएगा? किसी को पता है? एनीवन कैन हेल्प मी। हाँ यार मेरी साइड से तो मुझे चलता भी दिख रहा है, मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन आपकी स्क्रीन पर विजिबल नहीं हो रहा। अब चलता दिख रहा है? अब चलता दिख रहा है? अब मैंने एक टिक लिखा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दिखा आप लोगों को? ओके ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। एक सेकेंड रुको, अब इसको ये देख रही है, ये रफ कहाँ से हो रहा है? यार आज इसमें बड़े पंगे हो गए यार। चलो क्या करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते। हाँ यार रफ नहीं हो रहा है, ठीक है चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है इससे आगे मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ, ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते, हमें बस पढ़ना, हमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है तो मैं अब क्या है, रफ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं
थोड़ा सा इसको क्या करूँगा, कम यूज़ करूँगा, मैं बोलूँगा ज़्यादा लिखूँगा कम, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आएगी वरना फिर वापस से रफ करने में, ठीक है। तो आज मैं ये दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, आज PPT यूज़ नहीं कर रहा, तो डेट्स द रीज़न कि मैं PDF रीडर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है तो स्टार्ट कर दे। तो लास्ट गवर्नर जनरल किसको बोला जाएगा? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसको बोला जाएगा? लॉर्ड कैनिंग को बोला जाएगा। और फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया भी किसको बोला जाएगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर पहला वॉइसरॉय कौन होगा? इंडिया के अंदर आपका पहला वॉइसरॉय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। एंड इसने क्या किया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे? ही क्या था हमारा इंडियन जो इंडियन बजट है, इंडियन बजट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड ही पे क्या था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पे ही हमारा इंडियन बजट इंट्रोड्यूस हुआ था। और मैंने लास्ट टू लास्ट की क्लास में मैंने अगर आपको चीज़ें याद हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो, अगर आप डेली वीडियो देख रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारा फर्स्ट इंडियन बजट है ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? जेम्स विल्सन ने ये इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। और जेम्स विल्सन ने क्या किया था? इनकम टैक्स भी इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। तो डेट्स वाई इनकम टैक्स से किसको बोला जाता है कि फादर ऑफ इनकम टैक्स? किसको बोला जाता है? लॉर्ड कैनिंग को बोला जाता है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड पर क्या था आपका? इनकम टैक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, इनकम टैक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और ये इनकम टैक्स स्टार्टिंग में किन लोगों पर लगाया था? जिनकी इनकम क्या है? जिनकी इनकम आपकी मंथली 500 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उन लोगों पर क्या लगाया था? उन लोगों पर इनकम टैक्स लगाया था। 1861 में क्या था? इनके टाइम पीरियड पे IPC भी स्टार्ट हुआ था, यानी कि इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। और साथ ही साथ 1861 में आपको पता है इंडियन काउंसलिंग एक्ट भी आया था। इंडियन काउंसलिंग एक्ट में क्या था? एक वॉइसरॉय को प्रेसिडेंट दी थी कि ही कैन अप्लाई ऑर्डिनेंस, यानी कि कोई भी ऐसा एमरजेंसी बिल है या एमरजेंसी पावर है, ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म लॉ है, तो इन इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? इन चीज़ों को ऑर्डिनेंस बोला जाता है, ठीक है। तो वॉइसरॉय को क्या कर दी थी? वॉइसरॉय को ये पावर दे दी थी, ठीक है। और आपको पता है फिर 1861 में क्या था? इंडिया के अंदर हाई कोर्ट स्टार्ट हो चुके थे, इंडिया के अंदर 3 हाई कोर्ट स्टार्ट हुए थे। और ये 3 हाई कोर्ट कहाँ पर थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कलकत्ता, मद्रास, बम्बे। अब क्या है, अब आज के टाइम पर अगर कोई पूछे, किसी को पता है एज ए स्टैटिक जीके, आप FCAT एग्जाम आप लोगों ने दिया लास्ट वीक, किसी को पता है आज की डेट में हमारे इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? आज की डेट में इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट हैं? आप लोगों ने लास्ट वीक में FCAT का एग्जाम दिया है, तो इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, ये चीज़ तो पढ़ी होगी ना, ये चीज़ें तो FCAT में तो स्टेटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किसी को पता है कि आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट है? एनीवन कैन टेल? एनीवन कैन टेल? 25। बहुत बढ़िया दीपक मिश्रा, बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी यार पढ़ तो रहे हो आप लोग, अगर इतना पता है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। 25 आज के टाइम पे इंडिया के अंदर हाई कोर्ट कितने? 25 है, ठीक है। और पहले क्या हुआ करते थे? पहले 24 हुआ करते थे। अब रिसेंटली एक नया बना है 2019 में, आपको पता है 1 जनवरी 2019 को क्या था? एक नया हाई कोर्ट बना था अमरावती में, आपको पता है तेलंगाना में। और ठीक है, तेलंगाना का क्या, एक नया हाई कोर्ट बना जो कि कहाँ पर बना है? अमरावती में। 1 जनवरी 2019 को ये बना था, स्टार्ट हुआ था। और क्या था, 1862 में ही आल्सो क्लासिफाइड इंडियन डिपार्टमेंट, उन्होंने काम करने के लिए क्या था, काम करने के लिए अलग अलग क्या थे, अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिए थे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ें कम लिखी है, लेकिन आप सुनते ज़्यादा रहो, आपको समझ में चीज़ें आती रहेगी। अब नेक्स्ट नंबर किसका था? लॉर्ड मायो का, ठीक है। तो लॉर्ड मायो को क्या करो, लॉर्ड मायो को आप स्किप कर सकते हो, सॉरी ये क्या कर दो अभी के लिए, क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, तो सर जॉन लॉरेंस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। सीधा क्या कर दो, सीधा लॉर्ड मायो पर आप लोग आ जाओ, ये सर जॉन लॉरेंस का पढ़ सकते हो, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये तीनों चीज़ मैं बताऊंगा तो पढ़ लेना इसको, लॉर्ड मायो पर, लॉर्ड मायो पर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ही ऑल्सो फाउंडेड मायो कॉलेज इन अजमेर। 1870 में क्या किया, 1870 में ही फाउंडेड मायो कॉलेज इन अजमेर। अपने नाम पर क्या किया था, जैसे आज के टाइम पे गांधी के नाम पे चुराए है, या कोई चीफ मिनिस्टर अपने अपने बाप के नाम पर कुछ कॉलेज वगैरह खोल देता है, रोडों के नाम रख देता है, तो ये चीज़ स्टार्टिंग किसने करी थी? ये चीज़ स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड से, जब ये वॉइसरॉय हुआ करता था 1869 में, जब इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इसने अपने नाम से क्या था, इसने अपने नाम से अजमेर के अंदर एक कॉलेज खोला था, तो वहीं से इस चीज़ की स्टार्टिंग हुई थी। क्या क्या था, जैसे महात्मा गांधी रोड या सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, ऐसे कुछ ऐसे होते हैं ना, नाम पर किसी चौक वगैरह, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रखी जाए, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहरों में रहती है, किसी के नाम पर कोई रोड हो, किसी के नाम पे कोई स्कूल हो, किसी के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी हो, तो
तो ये लॉर्ड मायो ने स्टार्ट करी थी 1870 में। क्या किया था लॉर्ड मायो ने, अपने नाम पर अजमेर के अंदर कॉलेज खोला था। साथ ही साथ एक बढ़िया काम भी करा था 1872 में, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इसको एक्यूरेट नहीं माना जाता है। जो लॉर्ड मायो ने जो पॉपुलेशन जो काउंटिंग करवाई थी इसको एक्यूरेट नहीं माना जाता जो फर्स्ट काउंटिंग हमारी हुई थी, क्योंकि उसने क्या किया था, उसमें जो सिर्फ मेल थे, जो सिर्फ पुरुष थे उन लोगों को इंक्लूड करा था, उन लोगों को सिर्फ इंक्लूड करा था, और जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, जम्मू कश्मीर के जो स्टेट के जो लोग थे उनकी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करा था, उनकी पॉपुलेशन को काउंट नहीं करा था। तो इसकी वजह से क्या है, एक ऑथेंटिक नहीं माना जाता है कि एक प्रॉपर नंबर नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या थी, नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स को काउंट नहीं करा था। एंड द सेकेंड थिंग क्या था, जम्मू कश्मीर के लोगों को काउंट नहीं करा था। एंड द थर्ड थिंग, बच्चों को काउंट नहीं करा था। तो इसलिए क्या, इसको एक ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। लेकिन बस एक शुरुआत हो चुकी थी, लोगों को सेंसस जो एक स्टेटिक रिकॉर्ड निकलता है उसकी एक स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो स्टेटिक जीके में आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, हाँ सॉरी मैं जल्दबाजी में मैं तेलंगाना बोल गया था, आंध्रा प्रदेश है, ठीक है, हैदराबाद आपको पता है यूटी बन चुकी है। तो एक शुरुआत हो चुकी थी, तो स्टेटिक जीका का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट सेंसन इन इंडिया, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 1872 हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1872 हो जाएगा। और 1872 में इसका मर्डर भी हुआ था, इसका मर्डर भी हुआ था। आपको मैंने दो तीन क्वेश्चन पूछ बोले हैं कि वो वाज दी गवर्नर जनरल वो टुक सुसाइड, बताना जल्दी से, हु वाज द गवर्नर जनरल हु टुक सुसाइड, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने सुसाइड करी थी, बताना। इसका इंडिया के अंदर मर्डर हुआ था, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, आपको पता है पोर्ट ब्लेयर में आपकी सेलुलर जेल है, वहां पर ये विजिट करने गया था। तो वहां पर एक अफगानी था जिसका नाम क्या था, अफगानी का शेर अली अफरीदी, ठीक है। शेर अली अफरीदी ने क्या किया, जब ये पोर्ट ब्लेयर में सेंसस जेल में, सेंसस जो आपकी जेल हुई सॉरी सेकुलर जेल थी, वहां पर ये विजिट करने गया था, तो शेर अली अफरीदी ने क्या था, इसका मर्डर कर दिया था पोर्ट ब्लेयर के अंदर। तो आपके ये चार पांच क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे हु वाज दी फर्स्ट, लाइक हु वाज दी गवर्नर जनरल हु टुक सुसाइड, एंड हु वाज दी गवर्नर जनरल हु फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस किस पर लगी थी। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में कमेंट करते रहो, हु वाज दी गवर्नर जनरल हु फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस। एंड द थर्ड क्वेश्चन यू कैन आस्क, हु वाज दी गवर्नर जनरल, ठीक है, हु डाइड इन इंडिया, वो इंडिया के अंदर ही मरा था, एंड हिज ग्रेव आल्सो इन इंडिया, जिसकी कब्र भी इंडिया के अंदर है। बताया था ना मैंने आपको, गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी कब्र है। तो मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, तो इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हु वाज दी गवर्नर जनरल हु मर्डर इन इंडिया, ठीक है। तो नाम क्या है आपका, लॉर्ड मायो नाम है, और किसने मारा था, शेर अली अफरीदी ने मारा था, कहाँ पर मारा था, पोर्ट ब्लेयर पर मारा था, किस लोकेशन पर मारा था, सेलुलर जेल के अंदर मारा था, कब मारा था, 1872 में मारा था, ठीक है। आपके 6-7 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक बन सकते हैं एक ही चीज़ से, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट लॉर्ड मायो, बाकी आप लोगों ने कमेंट नहीं करा यार, मैं आपसे ये पूछी थी कि वो फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस, 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछे थे लगातार। तो नेक्स्ट पर चलते हैं लॉर्ड रिपन, नेक्स्ट पर चलते हैं लॉर्ड रिपन। टाइम पीरियड क्या आप लोगों के सामने लिखा ही हुआ है, 1880 से 1884 का जो टाइम पीरियड था किसका था, लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था, ओके। तो जो स्टार्टिंग करी थी 1872 में फर्स्ट सेंसन इन इंडिया, इसने क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने उस चीज़ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करा के एक रेगुलर सेंसस करवाया था जिसमें सभी को इंक्लूड किया गया, फीमेल को भी इंक्लूड किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इंक्लूड किया गया, लोगों को, बच्चों को, सबको इंक्लूड किया गया, ठीक है। और तो यहाँ से क्या, अब इंडिया के अंदर एक सिस्टम बन चुका था, इसने एक यहाँ से एक सिस्टम बना दिया कि हर 10 साल के बाद क्या है, हर 10 साल के बाद क्या है, सेंसस होगा इंडिया के अंदर, ठीक है, हर 10 साल के बाद क्या होगा, सेंसस होगा। और आपको पता है कि हमारी लास्ट पॉपुलेशन काउंटिंग कब हुई थी, 2011 में हुई थी, देखो 81, हर 10 साल के बाद काउंटिंग हो रही है। तो अब 2011 में हुई थी, नेक्स्ट कब होगी, 2021 में, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है, ठीक है, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है। तो हर 10 साल के बाद क्या होती है, अब की सेंसस होती है, रेगुलर सेंसस होता है। एंड एज वेल एज ही ऑल्सो स्टार्टेड लोकल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ही ऑल्सो स्टार्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको पंचायती राज बोलते हो, नगर निगम बोलते हो, सरपंच, आपके नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, सरपंच के इलेक्शन होते हैं, तो
तो हु स्टार्टेड दिस सिस्टम, लॉर्ड रिपन स्टार्टेड दिस सिस्टम। इन्हीं के टाइम पीरियड में 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। अब फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट क्या था, इसके अंदर इसने क्या किया था कि जो बच्चे हुआ करते थे उनको चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिटेड कर दिया था, ही बैंड ऑन चाइल्ड लेबर, ठीक है। और 1882 में इनके टाइम पीरियड में क्या था, हंटर कमीशन भी आया था। हंटर कमीशन आपको पता होना चाहिए, रिलेटेड टू रिफॉर्म इन प्राइमरी एजुकेशन। इनके टाइम पीरियड पे क्या था, हंटर कमीशन आपने सुना होगा, हंटर कमीशन भी आया था। लिखा नहीं है मैंने, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन समथिंग यू नीड टू नो अबाउट हंटर कमीशन, इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आपका लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन का जो टाइम पीरियड था 1884 से 1888 का जो टाइम पीरियड था, एक चीज़ तो आपको पक्का ध्यान ही होगी, इस बीच में एक सबसे बड़ी बात हुई थी 1885, जिसको हिंदुस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता होगा, क्या हुई थी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन ऑफ INC 1885 में, ठीक है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन किसने रखी थी, तो ये रखी थी ए ओ ह्यूम ने। आप नाम देख सकते हो किसने रखा था, किसने बनाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए ओ ह्यूम ने। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, ये कांग्रेस वर्ड हमने कहाँ से लिया था, INC, इंडियन नेशनल तो ठीक था, लेकिन ये कांग्रेस वर्ड हमने कहाँ से लिया था, ये कांग्रेस वर्ड आपने हमने कहाँ से लिया था, यूएसए कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि सीधा सीधा बोलने का क्या मतलब है, अमेरिका से हमने कांग्रेस वर्ड लिया था। आपको पता है अमेरिका के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रहती है, ऑलमोस्ट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने नाम के अंदर कांग्रेस को क्या करती है, कांग्रेस वर्ड को इंक्लूड करती है। तो इसी वजह से क्या था, हमने भी कांग्रेस वर्ड यूएसए से उठाया था, ठीक है, कांग्रेस वर्ड एक्चुअली। और ये कांग्रेस, ठीक है, वो स्टार्टेड दिस लाइक फाउंडेशन किसने रखी थी, ए ओ ह्यूम ने। और सबसे पहला फर्स्ट सेमिनार, ये सेमिनार कब हुआ था, 1885 में फर्स्ट सेमिनार हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे के अंदर हुआ था। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन आपके WC बैनर्जी थे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन आपके WC बैनर्जी है, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था, आपका बॉम्बे के अंदर एक स्कूल हुआ करता था, गोपाल दास संस्कृत विद्यालय। ये सारी डीप नॉलेज है, बस इतनी नहीं आती आपके लिए, इतना इनफ है कि 1885 में क्या हुआ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, WC बैनर्जी थे। कहाँ पर हुआ था, गोपाल दास संस्कृत विद्यालय में हुआ था। कितने मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मोर देन इनफ है। ये चीज़ें दूसरी भी होती है जो पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें डीप में, भाई कहाँ पर हुआ था, संस्कृत दास विद्यालय बेंगलोर के अंदर, कितने लोग आए थे, 72 मेंबर आए थे, ठीक है। तो इतना बहुत है। तो नेक्स्ट क्या आपके लॉर्ड कर्जन है, नेक्स्ट कर्जन क्या है, वो नेक्स्ट वॉइसरॉय कौन है, लॉर्ड कर्जन, जिनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1899 से 1905 का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड कर्जन का हुआ करता था। टाइम फेज आप देख सकते हैं, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब से कब तक है, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड आपका 1899 से 1905 का है, ठीक है, 1899 का। अब देखो दो तीन चीज़ आपकी बहुत है। लॉर्ड कर्जन क्या, सबसे बदनाम वॉइसरॉय था इंडिया के अंदर। अब मैं आपको बताऊंगा ये बदनाम वॉइसरॉय क्यों था। अगर आपसे पूछूं मैं, सबसे बदनाम वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन था, दूसरा सबसे बदनाम वॉइसरॉय कौन था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, कोई बता सकता है? मैंने आपसे ये पूछा भाई, सबसे बदनाम वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे, इसने सबसे गंदे काम इंडिया के अंदर करे थे। और दूसरा कौन था, दूसरे आपसे कोई बता सकता है? इससे पहले भी मैंने एक वॉइसरॉय के लिए बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि लोग उसको बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, काफ़ी गंदा आदमी था वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पर भी बोली थी। तो कोई बता सकता है मैंने किसके लिए यूज़ करा था वो? कोई बता सकता है? मैंने बोला था ना लॉर्ड डलहौजी को, हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर दो वॉइसरॉय बहुत गंदे आदमी हुए हैं। सबसे पहला तो लॉर्ड कर्जन ही हुआ है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दूसरा सबसे गंदा वॉइसरॉय, सबसे बदनाम वॉइसरॉय कौन हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। बट ऐसा था कि डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इन लोगों ने काफ़ी काम कराया था, लेकिन जो सोसाइटी का जो वेलफेयर है, इंडिया को बर्बाद करना, सबसे पहले इन्होंने काम ही क्या करा था, बस इंडिया को बर्बाद करा था, ठीक है। तो डलहौजी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी आती है, बारी आती है लॉर्ड कर्जन की, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी तो आपको पता होनी चाहिए, 1903 में क्या किया था, 1903 में इन्होंने
सीआईडी, आपको पता है सीआईडी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसकी फाउंडेशन करी थी। आपको पता है डल ओजी ने सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट काम कराए थे इंडिया के अंदर, जितने भी वॉइस रॉय हुई थी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो काम हुए थे किनके टाइम पीरियड में हुए थे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। अब ये टाइम पीरियड किसका आ चुका है, लॉर्ड कर्जन का। तो लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले क्या कराया था, क्योंकि क्रिमिनल जो रेट है, क्राइम रेट है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, डेवलपमेंट कराने आए थे, लेकिन उन्होंने गंदे काम भी ऐसे करे थे इंडिया को तोड़ने के लिए, क्योंकि ये लोग सोचकर आए थे कि इंडिया को कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से क्या था, इन्होंने डेवलपमेंट भी काम कराए थे, और जैसे जैसे जो मूवमेंट स्ट्रगल्स होते थे, जहाँ जहाँ से आवाज़ उठती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, तो एज ए इन्होंने अपनी साइड से लॉयल वर्क किया, इन्होंने अपनी साइड से एक बहुत ईमानदारी वाला काम करा ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए। तो लेकिन हमारे लिए वो क्या, हमारे लिए वो गंदा काम है। देखो क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, उसको कम करने के लिए इसने क्या किया, सीआईडी को स्टार्ट करा था, जिसको आप बच्चों में देखते हो, वो एक चैनल पे आता भी है, पता नहीं जब मैं बच्चा था सीआईडी एक एक वो एपिसोड भी आता है, कौन सा चैनल है मैं भूल गया, सीआईडी। तो ये किसने स्टार्ट करी थी, लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट करी थी फाउंडेशन ऑफ सीआईडी। 1904 में क्या किया था, 1904 में ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट भी लेकर आया था। बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे थे, तो उसको पढ़ाने के लिए, उस चीज़ में रिफॉर्म करने के लिए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेकर आए थे। और 1905 में, 1905 में आप इंडियन एग्रीकल्चर में आपको बहुत बड़ा नाम सुना होगा पूसा का, ठीक है, पूसा, पूसा की फाउंडेशन, पूसा आपको पता है, पूसा की जो स्थापना वो भी किसने करी थी, जिसको वो भी किसने करी थी, लॉर्ड कर्जन ने करी थी। और फिर आपकी एक पोस्ट होती है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर को भी कि जो ये पोस्ट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना देना, प्रमोट करना, किसानों का भला करना, किसानों का जो रेवेन्यू सिस्टम है उनकी देखभाल करना, उनकी केयर करना, तो ये सारे काम किसके होते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के होते हैं। तो उस पोस्ट की भी किसने किसने बनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने बनाई थी। और साथ ही साथ 1905 में क्या किया था, इन्होंने रेलवे बोर्ड का भी गठन करा था। 1905 में क्या किया था, रेलवे बोर्ड का गठन भी किया था। तो देखो इतने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी की तरह ये भी बैक टू बैक इंडिया के अंदर इतने डेवलपमेंट करा रहा है, इतने डेवलपमेंट करा रहा है। और इनफैक्ट ये भी बात सच है कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे देश के अंदर और कुछ साल तक होते, मतलब कि सीधा सीधा बोलने का क्या मतलब है, खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सब लोगों को आज़ादी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं एंटी नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन अगर डेवलपमेंट की साइड से बोला जाता है ऐसे, अगर इंडिया जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर कुछ और साल रहते हैं ना, जैसे 47 की जगह 70-80 तक वो रह जाते हैं, तो इंडिया आज के टाइम पे एक सुपर पावर कंट्री होता, बहुत ज़्यादा एक डेवलप कंट्री होता, ठीक है। तो फ्रॉम द डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ साइड यार, ब्रिटिशर्स ने बहुत डेवलपमेंट कराई थी इंडिया के अंदर। तो देखो कितने लोग डेवलपमेंट करा रहे हैं। 1904 में क्या किया, 1904 में ये पब्लिक सर्विस कमीशन भी लेकर आया था, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी लेकर आया था, ठीक है। अब क्या था, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पहले एज हुआ करती थी वो 18 साल हुआ करती थी, तो 18 साल, ठीक है। तो अब क्या थे, बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट थे 18 साल में क्या थे, आईसीएस बनने लगे थे। अब क्या था, इसने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए कि इनका सिलेक्शन रेट कम हो, 18 साल से उम्र बढ़ाकर कितनी साल कर दी थी, 21 साल कर दी थी, आप लोग देख सकते हो, ये 21 साल ये कर दी थी, ठीक है। मिनिमम एज जो 18 साल हुआ करती थी उसको बढ़ाकर कितने साल कर दिया था, 21 साल कर दिया था। 1904 में क्या हुआ, ही ऑल्सो फाउंडेड इरीगेशन डिपार्टमेंट, 1904 में क्या हुआ, ही ऑल्सो फाउंडेड इरीगेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज फाउंडेड डिजास्टर मैनेजमेंट, एज वेल एज ही ऑल्सो फाउंडेड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब 1905 के अंदर ही क्या किया था, 1905 में ही आल्सो फाउंडेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, यानी कि जो पुराने किले वगैरह होती है, जो पुराना होते हैं, उसकी भी स्थापना करी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, इसका हेडक्वार्टर आपका कलकत्ता के अंदर था, ठीक है, कलकत्ता के अंदर था। और आपको पता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वजह से क्या है, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई थी, जिसके चेयरमैन कौन हुआ करते थे, फर्स्ट चेयरमैन ASI के कौन हुआ करते थे, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल की देखरेख में दो टीम उन्होंने बनाई थी, कौन सी टीम थी, पहली टीम किसकी बनाई, दयाराम सैनी की, दूसरी टीम किसकी बनाई, RD बनर्जी की। दयाराम सैनी ने आपको पता है हरप्पा की, हरप्पा सिविलाइजेशन की खोज करी थी, कब करी थी, 1921 में। RD बनर्जी ने आपको पता है मोहनजोदड़ो, उसकी खोज करी थी 1992 में करी थी, जिससे ये दोनों चीज़ किससे रिलेटेड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। अब ये बात हुई सारी डेवलपमेंट की, देखो मैंने 10-15 काम आपको गिनवाए कि कितने डेवलपमेंट कराई थी इसने। आज के टाइम पे यार गवर्नमेंट एक एक साल ले लेती है एक एक चीज़ कराने में, कि आपकी ये चीज़ है इसको एक साल ले लिया, फिर एक साल तक बैठ के आराम से मज़े मारेगी, एक साल के बाद कोई दूसरा काम देखेगी कि हाँ हमें कुछ करना है। देखो ये एक एक साल के अंदर कितना कितना काम करा रहे हैं, तो आप लोग खुद सोच सकते हो, ठीक है। अब इस
उस बात पर चलते हैं कि इसको बदनाम क्यों बोला जाता है, लॉर्ड कर्जन को सबसे बदनाम क्यों बोला जाता है। एज आपके सामने लिखा ही हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपके सामने लिखा ही हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब बंगाल ये बंगाल नहीं है जो आज के टाइम पे हुआ करता था, बंगाल वो हुआ करता था जिसके अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, बिहार, सब उसके अंदर हुआ करता था। बहुत बड़ा स्टेट हुआ करता था बंगाल। जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में सबसे बड़ा सूबाई किस कौन सा हुआ करता था, बंगाल का हुआ करता था, ठीक है। इसने क्या किया था, बंगाल को दो भाग में पार्ट कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या था, आपके जो मुस्लिम्स लोग थे, ईस्ट बंगाल में जो आपकी हिंदू कम्युनिटी थी, ईस्ट बंगाल में क्या था आपके हिंदू लोग थे, और वेस्ट बंगाल में क्या था, वेस्ट बंगाल में आपके मुस्लिम्स थे। मुस्लिम्स बोलने का मतलब सीधा सीधा इशारा कहाँ पर जा रहा है, जो बांग्लादेश वाला इलाका और हिंदू वाला इलाका जो आज के टाइम पे जो इंडिया के अंदर है वो वाला इलाका, ठीक है। अब क्या था, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था क्योंकि अब तक जो एक सोवनिटी एज ए संप्रभुता, हिंदी में मेरे को बोलना कम ही आता है, जिसको एक एकता यूनिटी बोलते हैं, अब इंडिया को एक तरीके से यूनाइट कंट्री बोला जाता था, तो उसको सबसे पहली ठेस, पहली चोट किसने मारी थी, लॉर्ड कर्जन ने मारी थी। और इस चीज़ का, इसका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से इसको सबसे बदनाम वॉइसरॉय बोला जाता है। समझ में आया। अब यहाँ से क्या है, ठीक है, अब यहाँ से क्या है, आप लोगों को मजा आएगा। अब यहाँ से क्या, अब आपको भी पता कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अब चल रही है, तो अब वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जिन लोगों, जिन चीज़ों में आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब वो यहाँ से क्या है, वो वाला पोर्शन स्टार्ट करूँगा मैं जिसमें आप लोग इंटरेस्ट लेते हो, जिसमें आप लोग नाम सुनोगे बाल गंगाधर तिलक का, दादा भाई नेहरू जी का, देवेंद्र नाथ टैगोर का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का, विपिन चंद्र पाल का, गांधी का, नेहरू का। अब यहाँ से वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, मुस्लिम लीग का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अभी तक एक बोरिंग चीज़ें चल रही थी, आपको भी पता है कि हर वॉइसरॉय, हर जनरल, गवर्नर जनरल हमने स्टार्ट करा था, उनके बारे में मैंने 8-8, 10-10 पॉइंट सभी के बारे में एटलीस्ट इतने बताए हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन पर तो आपके तीन तीन चार चार ही है, क्योंकि लिखने में मैं थोड़ा बहुत आलकस ही हूँ, टाइपिस्ट इतनी टाइपिंग नहीं करता, लेकिन बोलते टाइम मैंने आपको 8-8, 10-10 पॉइंट बताया, जो अगर वीडियो वगैरह, वीडियो से अगर कोई नोट्स वगैरह बना रहा है, तो ये इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ लॉर्ड कर्जन के बारे में, आपको ये चीज़ें खुद किसी बुक में नहीं मिलेंगी जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। बस लॉर्ड कर्जन के बारे में एक ही पॉइंट मिलेगा आपको हर बुक में नॉर्मली, कि जस्ट ही डिवाइड, ही डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको एक दो पॉइंट मिलेंगे। अब इंटरेस्ट आपका बैठेगा अगर, ठीक है, अब यहाँ से आपका इंटरेस्ट बैठेगा कि आपको वो सारे नाम सुनेंगे, वो सारी कहानी आप सुनने को मिलेंगी जो आप जिन चीज़ों का मूवी में देखते हो, जिन चीज़ों का अपनी रियल लाइफ स्टोरी से होकर मोटिवेट होते हो, जो आर्मी के लिए आप लोगों को मोटिवेट करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, आर यू रेडी? बस 2 सेकंड रुको, मैं एक बार मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो इज गोइंग गुड ना? स्टार्ट करें, वीडियो इज गोइंग गुड?
कैन एनीवन कैन टेल माय वॉइस इज इनफ ऑडिबल और नॉट? Anyone can confirm my voice is inaudible or not? ओके तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टाइम पीरियड किसका है? नेक्स्ट टाइम आते हैं आपका जो कर्जन के बाद अगले वॉइसरॉय इंडिया के अंदर कौन बनकर आते हैं? लॉर्ड मिंटो सेकंड बनकर आते हैं. सेकंड बोलने का मतलब इससे पहले आपके मिंटो ऑलरेडी आ चुके थे, तो पढ़ा भी था हमने. और जो लॉर्ड मिंटो का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1910 का. 1905 से लेकर 1910 का जो टाइम पीरियड था वो लॉर्ड मिंटो का टाइम पीरियड था. ठीक है यार, आप लोगों में से कोई एक है ना, कोई कमेंट करके ग्रुप में कर दो जिनको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्या है अच्छे वे में करनी है ना. तो यहाँ से अभी तक हमने वॉइसरॉय के बारे में, हर वॉइसरॉय के बारे में 6-7 पॉइंट पढ़े, तो वो बोरिंग होता है. अब यहाँ से एक इंटरेस्ट वाली चीज़ स्टार्ट होती है. तो एक बंदा कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि स्टोरी यहाँ से चलेगी, जो आपका पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है जिसमें आप सारे नाम सुन लोगे, गांधी का नाम, भगत सिंह का नाम, राजगुरु का नाम, सुखदेव का नाम, सारी चीज़ें आप सुन लोगे. और मैं आज ही कवर कराऊंगा, आज ही खत्म करूंगा, चाहे आज के रात के 11 बजे या 12 बजे. ठीक है, तो एक बंदा कोई ग्रुप में मैसेज कर दो कि अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो जिनको ज्वाइन करना है. ठीक है, तो या मैं ही कर देता हूँ, एक सेकेंड रुको, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ओके सो स्टार्ट करते हैं, बैक टू द पॉइंट, लॉर्ड मिंटो. अब क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके दो दो तीन तीन पॉइंट हमने हर वॉइस रॉय के बारे में कवर करे हैं, लेकिन बाय वॉइस मैंने 8-8, 10-10, 15-15 तक पॉइंट बताया है. तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनका टाइम फेज हुआ करता था 1905 से लेकर 1910 का. लेकिन स्क्रीन पर बस आपको तीन पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन स्टोरी कवर करने में मैं यहाँ पर कम से कम 5 या 10 मिनट लूँगा अब हर वॉइस रॉय के लिए, हर वॉइस रॉय के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आपको पता है जो बंगाल का जो पार्टीशन करके कौन गया था? लॉर्ड कर्जन करके गया था. यानी कि पूरे देश में जो सबसे रिवोल्ट करने के लिए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो बीज कौन बोकर गया था? लॉर्ड कर्जन बोकर गया था. क्योंकि यहाँ से क्या था, अब लोगों के बीच में एक ये आ चुका था, एक यूनिटी, एक जो यूनिटी वाले थॉट्स है वो आ चुके थे कि हमारे साथ ये खेल रहे, हमको डिवाइड कर रहे, ब्रिटिशर्स हमको डिवाइड कर रहे. तो यहाँ से क्या है, लोगों के मन में एक जागरूकता आ चुकी थी कि यहाँ से क्या है, अब हमें लोगों को क्या फिर से यूनाइट होना चाहिए, फिर से एक होना चाहिए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहिए. और ये पूरा का पूरा सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो किसने किया था? वो पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था कांग्रेस पार्टी ने. यानी कि जब पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर, तो जो धरने और प्रदर्शन जो जगह जगह पर हो रहे थे और उस चीज़ में मेन लीडर की भूमिका कौन निभा रही थी? कांग्रेस पार्टी निभा रही थी. और कांग्रेस पार्टी में क्या थे, कांग्रेस पार्टी में भी आपके दो फेज थे, यानी कि दो ग्रुप थे. और ये दो ग्रुप कौन कौन से थे? आपके गरम दल है, एक आपका नरम दल है. ठीक है, दो ग्रुप हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में भी, जो पूरे देश में जब अफरा तफरी चल रही थी तो उनको सुपरवाइज करने के लिए, उनको सुपरविजन करने के लिए दो ग्रुप बने हुए थे, गरम दल और नरम दल. अब नरम दल अगर बोले तो आपको पता है नरम दल इज रिलेटेड टू दादा भाई नेहरू जी. नरम दल को कौन सुपरवाइज कर रहा था, कौन सुपरविजन कर रहा था? दादा भाई नेहरू जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और देवेंद्र नाथ टैगोर. ठीक है, नाम थोड़ा बहुत कन्फ्यूज था, मेरे को बोलना नहीं आ रहा. नरम दल में कौन कौन लीडर हुआ करते थे? दादा भाई नेहरू जी, पंडित मदन मोहन मालवीय और देवेंद्र नाथ टैगोर.
ठीक है। अब ये नरम दिल इसको क्यों बोला जाता है, इनको नरम लोग क्यों बोला जाता है? नरम दल बोलने का सीधा सीधा मतलब है जो नॉन वायलेंस पर, जो अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर जो बिलीव करते हो। और इनको नरम दल क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी, जो ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो लोग उन पर ट्रस्ट करते थे, उन पर बिलीव करते थे। ठीक है, ये लोग हमेशा से सोचते थे कि हम लोगों को क्या है, इंडियन इंडिपेंडेंस तो चाहिए, हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन हम अंग्रेजों से कभी लड़ नहीं सकते। क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम लोगों का फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स एक्ट करे थे, बहुत ज़्यादा जो हमारे जो जैसे आपका सती सिस्टम है, आपकी बहुत सारे ऐसे सिस्टम थे, ऐसे जो रिलीजियस मूवमेंट थे उनको भी सपोर्ट करा था अंग्रेज़ों ने। तो इन लोगों का क्या था, नरम दल का क्या था, ब्रिटिशर्स पर ट्रस्ट था, ब्रिटिशर्स पर ट्रस्ट था कि हम क्या है अंग्रेज़ों से कभी लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग क्या है हमारे लिए अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो क्या है, हम वॉयलेंस से नहीं, नॉन वॉयलेंस का फेस बनकर अंग्रेजों से क्या करेंगे, अंग्रेजों से अपनी इंडिपेंडेंस मांगेंगे, उनसे रिक्वेस्ट कर मांगेंगे, कोई दंगे फसाद नहीं करेंगे। और दूसरी साइड था गरम दल। गरम दल में लीडर कौन हुआ करते थे, लाल बाल पाल। आपको पता है पंजाब से कौन लीडर हुआ करते थे, लाल किनको बोला जाता है, यानी कि लाला लाजपत राय। पाल, ठीक है, पाल किसको बोला जाता है, आपको बंगाल के जो लीडर हुआ करते थे विपिन चंद्र पाल। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बंगाल एक बड़ा स्टेट था जो प्रेजेंट इंडिया में क्या है, प्रेजेंट इंडिया में जिसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्टेट था, यानी कि पूरे बांग्लादेश को मिलाकर, बिहार को मिलाकर, ठीक है, उड़ीसा का कुछ पार्ट है, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट है, तो उसको पूरा का पूरा मिलाकर क्या बोलते थे, बंगाल बोलते थे। ठीक है, इनका गरम दल का ये मानना था कि हम क्या ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, अगर हमें कभी कल को अगर आज़ादी मिलेगी तो वो तू ताड़ करके मिलेगी, लड़ाई झगड़े मूवमेंट वगैरह करके, धरने प्रदर्शन वगैरह करके, इन चीज़ों से हमें आज़ादी मिलेगी। तो ये लाल बाल पाल क्या है, आपको याद होने चाहिए, पंजाब के लीडर हुआ करते थे लाल, जिनका पूरा नाम था लाला लाजपत राय, लाला के नाम से उनको लाल बोला गया। महाराष्ट्र के लीडर कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनको बाल बोला जाता है, तो महाराष्ट्र की साइड से वो लीडर हुआ करते थे, बंगाल की साइड से पाल लीडर हुआ करते थे, और पूरा नाम क्या था, विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल। अब क्या था, अब जगह जगह मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो चुके थे। अब गरम दल क्या था, गरम दल नरम दल से हैवी हो चुका था, क्योंकि लोग अब ऐसे मानने लगे थे, इन लोगों ने ऐसा प्रमोशन अपना किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ क्या, अंग्रेजों के खिलाफ देखते ही क्या करो, लड़ाई झगड़े करो, रिवोल्ट करो, अंग्रेजों को देखते ही क्या है पीटो, गोली चलाओ, वो करो। क्योंकि इसी वजह से क्या, ब्रिटिशर्स भी एक तरीके से डर चुके थे, ब्रिटिशर्स भी डर चुके थे। अब अंग्रेजों ने क्या बोला, अंग्रेजों ने ऐसा बोला कि अगर हम लोगों ने क्या है, हम लोग इतने डेवलपमेंट करा रहे हैं, और अगर हमने बंगाल का जो पार्टीशन किया है, बंगाल का जो बंटवारा किया है, वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करा है, वो हमने डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करा है। क्योंकि क्या है, उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमने जो बंगाल का जो विभाजन करा है, जो पार्टीशन कराया है, वो रिलीजियस पॉइंट पर नहीं, यानी कि हिंदू मुस्लिम पर नहीं, हमें उनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट पर हमने उसका डिवीज़न करा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि ये सच में डिवीज़न किस बेस पर हुआ था, ये रिलीजन बेस पर हुआ था। एक साइड तो आपके मुस्लिम रखे गए थे, दूसरी साइड आपके हिंदू रखे गए थे। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ें। और हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाने के लिए क्या है, हिंदू मुस्लिम में फूट डलवाने के लिए क्या है, इस विभाजन को किया गया था। ठीक है, और अब क्या थे, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बन चुकी थी। उन लोगों ने मुस्लिम को क्या है, मुस्लिम रिलीजन को ज़्यादा भड़काया था, ज़्यादा उन लोगों को प्रमोट किया था। 1906 में क्या है, 1906 में इसी वजह से क्या है, इसी वजह से आपको पता है मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। इसी वजह से क्या है, इंडिया के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। अब इंडिया के अंदर क्या, दो बड़े विस्फोट हो चुके थे, दो बड़े ब्लास्ट हो चुके थे। सबसे पहला ब्लास्ट जो किसी को मंजूर नहीं था, बंगाल का विभाजन, और जो आज तक अभी सभी लोग यूनिटी में रह रहे थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रह रहे थे, तो उसमें आग में घी डालने का काम किसने किया, आग में घी डालने का काम किया मुस्लिम लीग की स्थापना ने। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, आपको पता, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने करी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, आगा खान ने करी थी। ओके, और ये स्थापना कहाँ पर करी थी, बंगाल की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, ढाका। औरंगजेब के टाइम पीरियड में मैंने ये चीज़ें बता चुकिया था, आपको पता ही होगा बंगाल की कैपिटल क्या हुआ करती थी उस टाइम पे, ढाका हुआ करती थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, बंगाल की राजधानी ढाका में हुई थी। ठीक है, और क्योंकि अब इन लोगों को क्या था, अब इन लोगों को जमने लगा था कि कुछ लोग गरम दल के लोग बोलते थे कि ब्रिटिशर्स को देखते ही मारो, कूटो, गोली चलाओ, रिवोल्ट करो, जगह जगह धरने प्रदर्शन करो। वहीं गरम दल इनके बिल्कुल अपोजिट था, वो लोग रिक्वेस्ट कर इंडिपेंडेंस लेना चाहते थे। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, फाइनली 1907 में, इसी वजह से क्या, 1907 में फाइनली
कांग्रेस भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, कांग्रेस भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था। और ये कौन सी उसमें हुआ था, कौन से सेशन में हुआ था, सूरत के अंदर सेशन चल रहा था, सूरत के अंदर सेशन चल रहा था, इसी बात को लेकर वहाँ पर एक डिबेट सी होगी। तो फाइनली दोनों दोनों ग्रुप ने क्या किया, दोनों ग्रुप ने अलग अलग क्या था, अलग अलग होने का डिसीजन लिया कि आप लोगों से जो होता है आप अपना काम वैसे करो, हम लोगों से जैसा होगा, हम लोगों से जैसा काम होगा हम अपना काम ऐसे अकॉर्डिंग अपने करेंगे। यानी कि गरम दल ने, दोनों ने क्या कर लिया, खुद अलग अलग रास्ते पर हो चुके थे, ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कांग्रेस का विभाजन हुआ है, जो अभी तक एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी लोगों को यूनाइट करने में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस का विभाजन, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और ये सेशन कहाँ पर हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सूरत के अंदर हुआ था। उस टाइम पे प्रेजिडेंट कौन थे, उस टाइम पे प्रेजिडेंट कौन हुआ करते थे, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज बिहारी घोष उस टाइम पे अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। अब नरम दल के क्या है, नरम दल के लीडर कौन बने, राज बिहारी बोस। गरम दल के लीडर कौन बने, गरम दल के लीडर बने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और क्या थे, 1908 में, क्योंकि अंग्रेजों को फेवर कौन कर रहा था, नरम दल। अब अंग्रेजों का दुश्मन कौन बना था, अंग्रेजों का दुश्मन बना था गरम दल। तो गरम दल का लीडर कौन था, गरम दल का लीडर था बाल गंगाधर तिलक। इसलिए क्या किया अंग्रेजों ने 1908 में क्या किया, राजद्रोह के केस में, क्या है, राजद्रोह के एक झूठे केस में फंसाकर बाल गंगाधर तिलक को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया और मांडले जेल में भेज दिया, और मांडले जेल में भेज दिया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो गरम दल था आपका, और गरम दल के लीडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। इसलिए उनको अरेस्ट करके एक झूठे केस में फंसा कर उनको मांडले जेल में भेज दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं के टाइम पे क्या था, इन्हीं के टाइम पे आपका मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था, इन्हीं के टाइम पे मोरले मिंटो रिफॉर्म आया था। एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मोरले जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे, मिंटो आपको पता है, लॉर्ड मिंटो यानी कि जो वॉइस रॉय है वो हम पढ़ ही रहे हैं। मोरले सेक्रेटरी हुआ करते थे इंडिया के, और मिंटो कौन हुआ करते थे, वॉइस रॉय हुआ करते थे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में हिंदू मुस्लिम के बीच क्या है, राजनीतिक दूरियां इसने और बढ़ा दी। जो गैप था हिंदू मुस्लिम का, जो यूनिट का है, जो यूनाइटी है, जो लोग यू हैं, जो यू हैं बिल्कुल अब तक क्या थे, एक तरीके से एक ही उसमें यूनिट में थे, इसने क्या कर लिया, राजनीतिक दूरियां बहुत बढ़ा दी, ठीक है। क्योंकि क्या था, हिंदू मुस्लिम की जो सीट हुआ करती थी उनका बंटवारा कर दिया था। और आपको पता है इसी एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, इसी गांधी जी ने बोला था इस एक्ट ने क्या कर दिया, भारत का सर्वनाश कर दिया है, ठीक है। मुस्लिम सीट्स को क्योंकि क्या था, अलग अलग उनको सीट रिजर्व कर दी थी। जैसे आपको पता आज भी क्या है, कुछ कुछ एरिया में एससी के लिए अलग सीट रिजर्व रहती है, एसटी के लिए अलग कुछ सीट रिजर्व रहती है। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया था, मुस्लिम सीट्स को रिजर्व कर दिया था, ठीक है। गांधी ने इसी चीज़ को देख कर क्या बोला था कि इस एक्ट ने क्या कर दिया, भारत का सर्वनाश कर दिया है, ठीक है। और अंग्रेज चाहते थे कि फिर से टकराव बढ़े हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उन्होंने फिर से क्या, जलती आग में घी का काम कर दिया था, जलती आग में फिर से एक घी डाल दिया था। तो नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, नेक्स्ट वॉइस रॉय कौन है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिनका टाइम पीरियड था 1910 से लेकर 1916 का। और इन्हीं के टाइम पीरियड में कौन था, इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे बड़ा केस क्या होता, सबसे बड़ा केस आपको पता है, जो ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम फिफ्थ, यानी कि जॉर्ज फिफ्थ, वो भारत के अंदर आए थे अपनी वाइफ के साथ, वो आए थे। और उनकी वाइफ का नाम भी आप ध्यान कर लो, सीएपीएफ में एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया था, एक बहुत ही पुराने टाइम पे 2002 के टाइम पे, इनकी वाइफ का क्या नाम था, 2002 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, इनकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी। जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ के साथ यानी कि मैरी के साथ क्या थे, वो इंडिया के अंदर आए थे 1911 में। और उन्हीं के स्वागत के लिए क्या है, उन्हीं के स्वागत के लिए आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। आपको पता है मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, क्योंकि जॉर्ज पंचम क्या थे, पानी के जहाज से इंडिया के अंदर आए थे, और वो बॉम्बे पोर्ट पर उनको आना था। इसलिए क्या है, बॉम्बे पोर्ट पर क्या है, आपको गेटवे ऑफ इंडिया उनके स्वागत के लिए बनवाया गया। अब उनके लिए स्वागत के लिए क्या था, अब इतने बड़े लीडर है उनके, राजा अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े काम तो करेंगे। इसी वजह से क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर जो अभी तक क्या थे, ब्रिटिशर्स के काफ़ी एक बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सन हुआ करते थे ब्रिटिशर्स की साइड से, तो क्या था, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की रिस्पेक्ट करने के लिए क्या गाया, जन गण मन गाया, ठीक है, इन्हीं के स्वागत के लिए, इनकी इन्हीं के वेलकम के लिए। और आपको पता है आज के टाइम पे क्या है, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, जो सुबह शाम हम स्कूल में या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कुछ टाइम के लिए सिनेमा हॉल में भी अलाउ किया गया था जन गण मन। और एक्चुअली में जन गण मन है क्या,
हम जॉर्ज पंचम के बारे में उन्हीं का ही गुणगान करते हैं, उन्हीं को ही बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि जॉर्ज पंचम ऐसे है वैसे है ये है वो है। हमारा जो नेशनल एंथम ही क्या है, नेशनल एंथम में हम किसी का ही गुणगान कर रहे होते हैं। नेशनल एंथम में हम गुणगान किसका कर रहे होते हैं, जॉर्ज पंचम फिफ्थ का, जॉर्ज पंचम जो उनके राजा हुआ करते थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उनके सम्मान में गीत लिखा था। और आपको पता आगे चलकर ये गीत हमारा नेशनल एंथम बना था, ठीक है, ये गीत हमारा आगे चलकर नेशनल एंथम बना था। समझ में आया नेशनल एंथम क्या है, जो हम सुबह शाम एज ए इंडिया एज ए प्राउड इंडियन वाला एक ये गीत गाते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, सुबह सुबह जॉर्ज पंचम का गुणगान कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि मतलब ही क्या, जनगण मन का एज ए ट्रू मतलब निकाला जाए तो जनगण मन अधिनायक जयाए, कि आपकी जय जयकार में कि आप आए इंडिया के अंदर आपकी जय जयकार हो। जॉर्ज पंचम को रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसी वर्डिंग ऐसी लाइन लिखी थी। खैर छोड़ो इन बातों को, बड़ी डिबेट चलती है। 1911 में क्या हुआ फिर आपको पता है, दिल्ली दरबार में उन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए, आकर उन्होंने दिल्ली के अंदर एक दरबार लगाया, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको दिल्ली दरबार बोला जाता है। और इसी दिल्ली दरबार में उन्होंने क्या कराया था, इसी दिल्ली दरबार में उन्होंने क्या किया था, ही डिक्लेयर्ड दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, दिल्ली एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको कैंसिल कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था। जैसे अब क्या है, अब ये इतने काम क्यों हो रहे हैं एकदम से, जैसे अब मोदी कहीं पर जाते हैं तो तरह तरह की स्कीम वहां पर लॉन्च करते हैं ना, क्योंकि लोग जिन चीज़ों से परेशान होते हैं तो उन्हीं वोट बैंक लेने के लिए, उन्हीं को खुश करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स चलाई जाती है, लोगों का ट्रस्ट लिया जाता है, लोगों का विश्वास लिया जाता है। अब उस टाइम पे लोग परेशान किस चीज़ से थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल से, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से। तो इसी लोगों को खुश करने के लिए, इंडियंस को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया था। एज वेल एज उन्होंने डिक्लेयर किया अब भारत की एक नई राजधानी होगी, और इस राजधानी का नाम क्या होगा, इस राजधानी का नाम दिल्ली होगा। तो आपको पता है कि इंडिया या इंडिया की जो कैपिटल यानी कि नई दिल्ली आज के टाइम पे वो कब बनी थी, 1911 में बनी थी। 1911 में, यानी कि जो अभी तक कैपिटल हुआ करती थी बंगाल, 1911 में क्या था, फाइनली डिक्लेरेशन हुई कि दिल्ली अब भारत की कैपिटल होगी, ठीक है, दिल्ली भारत की कैपिटल होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। और ये चीज़ भी आपकी पूछ ली जाती है कि फर्स्ट जो आपका नेशनल एंथम है वो कब गाया गया था, यानी कि जो जनगण मन है वो पहली बार कब गाया गया था। तो मैंने अभी अभी चिल्ला चिल्ला कर बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के वेलकम के लिए गीत गाया था, और कब गाया था, 1911 में, ठीक है, 1911 में ये गाया था। और कहाँ पर गाया था, कलकत्ता सेशन के अंदर गाया था। उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, उस टाइम पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपके जो बिशन नारायण दार है वो हुआ करते थे। मोर देन इनफ है, डीप बताया तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भूल जाना, जो लोग CAPF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए थे ना, उस टाइम पे इंडिया के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा नेचुरल कैमिलिटी चल रही थी। जैसे कुछ जगह पर सूखा आया हुआ था, कुछ जगह पर ड्रफ था, और कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। जैसे आपको पता है, जब बिहार में, बिहार की साइड में, उड़ीसा की साइड में, नेपाल की साइड से क्या है, जो आपकी रिवर्स है उनकी वजह से बिहार के अंदर बाढ़ आती है। वहीं दूसरी तरह क्या था, जब माई वॉइस इज ऑडिबल, सही आ रही है ना आवाज़ वगैरह, एवरीथिंग इज गोइंग गुड।
बताना, कोई कंफर्म करना, दीपक मिश्रा के अलावा कोई दूसरा कोई? इट इज गोइंग गुड और नॉट? ओके जतिन, ओके। तो क्या था, भारत के अंदर नेचुरल कैलेमिटी चल रही थी, सूखे और बाढ़ वगैरह आई थी, वहीं उनकी तैयारी में क्या था, पानी की तरह ये पैसा बाया जा रहा था जॉर्ज पंचम की जो ट्रैवलिंग हो रही थी उस पर। तो लोगों ने क्या माना, लोगों जो क्रांतिकारी हुए थे, जो किसान हुए थे, उन्होंने क्या माना, सबका जिम्मेदार किसको माना, सभी का जिम्मेदार किसको माना, लॉर्ड हार्डिंग को माना। तो फाइनली लोगों ने प्लानिंग करी कि हम लॉर्ड हार्डिंग का क्या करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग का मर्डर करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग का मर्डर करेंगे। इसी वजह से प्लानिंग हुई थी, आपको पता है 1913 में, 1913 में, ठीक है, 1913 में आपको पता है हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी, हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी, ठीक है। 1913 में क्या था, हार्डिंग को मारने के लिए प्लानिंग हुई थी, इसी वजह से लोगों ने हार्डिंग को जिम्मेदार माना था, ठीक है, जिम्मेदार माना था लॉर्ड हार्डिंग को। हार्डिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी, यानी कि हार्डिंग बम कांड। चांदनी चौक में क्या था, लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ कार में जा रहे थे और हमारे जो कुछ क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या करा था, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ठीक है, और वो घायल जरूर हुआ था लेकिन मरा नहीं था, ठीक है। लेकिन इस हादसे में, इस एक्सीडेंट में उनका ड्राइवर मारा गया था, इस एक्सीडेंट में उनका ड्राइवर मारा गया था, ठीक है। और ये बम किसने फेंका था, ये बम आपको पता होना चाहिए, ये बम किसने फेंका था, राज बिहारी बोस ने ये बम फेंका था, ठीक है। ये बम किसने फेंका था, राज बिहारी बोस ने, जो गर्म दल के से एसोसिएटेड थे, राज बिहारी बोस ने ये बम फेंका था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है अभी तक 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आए थे तो उनके स्वागत के लिए जनगणमन लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबल प्राइज मिला था लिटरेसी का, गीतांजलि की वजह से। उस टाइम पर उन्होंने सेम कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में गीतांजलि भी लिखी थी, ठीक है। और साथ ही साथ उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या था, उसी वो जब जॉर्ज पंचम, उन्होंने जो ब्रिटेन का जो हाईएस्ट अवार्ड है, जो ब्रिटेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नाइटवुड, तो उसी का ही टाइटल भी किसको मिला था, उसी का टाइटल भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और आपको पता है इन्हीं के टाइम पीरियड में 9 जनवरी 1915, इन्हीं के टाइम पीरियड में 9 जनवरी 1915, आपको पता है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है उसके जो मेन लीडर होंगे अब आगे चलकर, यानी कि गांधी, वो भारत के अंदर साउथ अफ्रीका से वो आ चुके हैं। और जिस दिन वो आए, ठीक है, जिस दिन वो आए उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन हम यानी कि 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जब गांधी इंडिया के अंदर आए थे ना, वो सत्याग्रह के साथ ही आए थे, वो सत्याग्रह के साथ ही आए थे। यानी कि सत्याग्रह का मतलब क्या है, आपने जगह जगह सुने होंगे सत्याग्रह मूवमेंट वगैरह, सत्याग्रह का मतलब ही क्या है, यानी कि खुद को कष्ट देकर, खुद को कष्ट देकर और सामने वाले से अपनी मांग जबरन मनवा कर, यानी कि खुद को परेशान करना, खुद को भूखा रखना, खुद नंगा घूमना, ठीक है, खुद की यानी कि खुद के शरीर को तकलीफ देकर, खुद को टेंशन देकर और सामने वाले को मजबूर बनाना कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, सामने वाले को मजबूर बनवा कर, क्या है इसका मतलब ही, क्या है इसका मतलब ही सत्याग्रह है। यानी कि जब गांधी क्या है इंडिया आए थे तो उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे पता होगा आपका वर्ल्ड वार चल रहा था, 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था, यानी कि जब भारत के अंदर गांधी आए थे तो वर्ल्ड वार चल रहा था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या था भारतीयों को वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन को क्या थी, सोल्जर्स की जरूरत थी, और उन्होंने इंडियंस को क्या किया था, आते ही मोटिवेट किया था, कॉन्फिडेंस दिया था कि आप लोग क्या करो, आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करो, आप लोग ब्रिटेन को फॉलो करो, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो इसी वजह से क्या किया, इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने खुश होकर गांधी को क्या टाइटल दिया, टाइटल दिया कैसर ए हिंद। इसी वजह से खुश होकर गांधी को एक नया टाइटल मिला, कैसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने क्या दी, गांधी को दी, ठीक है, अंग्रेजों ने गांधी को दी। और गांधी ने क्यों बोला था, एक्चुअली गांधी को लग रहा था कि अगर हम इनको फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट करेंगे, अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी इनके लिए भेजेंगे तो हमें क्या करेंगे, ये हमें स्वतंत्रता दे देंगे, ये हमें इंडिपेंडेंस दे देंगे, ठीक है। तो इस वजह से गांधी ने, ठीक है, गांधी ने बोला था, यार बोल बोल कर काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, आज ही करें फिनिश या फिर कल करें, आप लोगों की क्या राय है?
क्योंकि अभी 1.5 या 2 घंटे और लग जाएंगे, और ऑलरेडी हमें मेरे ख्याल से 1.25 घंटा के आसपास हो चुका है। तो आप लोगों को क्या मानना है, इसको आज यहीं ख़त्म करें, मतलब कल करें या आज ही करें? क्योंकि जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आएंगे, अब नेक्स्ट वॉइस ओवर आएंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका टाइम पीरियड होगा 1916 से 1921 का, ठीक है? तो कल ये पूरा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, पूरी लंबी क्लास हो जाएगी 3-4 घंटे की, क्योंकि 1.25 घंटा ये ऑलरेडी इस वीडियो को हो चुका है, और 1.5-2 घंटे में, कम से कम 2 घंटे में फिनिश होगा। तो क्या करते हैं इसको, कल इस क्लास को कल पूरी करेंगे, ठीक है? और जो भी आज लोग जितने भी हैं ना, कल की क्लास में पक्का आ जाना, क्योंकि आपने पता आज की क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ आज हुआ एग्ज़ाम के लिए, और कल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो एटलीस्ट अगर आज आप 10 लोग हो, तो 10 के 10 लोग कल क्लास में आ जाना, ठीक है? कल वो चीज़ें होंगी जो आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ, मैं सेशन को बंद कर रहा हूँ, कल करते हैं इसके आगे, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग है, 2 घंटे अभी और बोलना, लगातार बोला नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं अगर मैं, हम आधा घंटा और भी आगे क्लास कर लेंगे, 20-25 मिनट कर लेंगे, 1 घंटा कर लेंगे, लेकिन फिर भी 2 घंटे यार एटलीस्ट लगातार नहीं बोला जाएगा इतना। तो अगर कल दो स्टार्टिंग से करेंगे, तो कल 2 घंटे इजिली बोल सकेंगे आराम से। तो मेरी साइड से भी सोचो यार, लगातार 3-4 घंटे कौन बोलेगा यार, ठीक है? तो कल कर लेंगे इस क्लास को, ठीक है? कल से क्या करेंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यानी कि जो नए वॉइस रॉय होंगे इंडिया के अंदर, उनके टाइम पीरियड से हम ये अपनी स्टोरी करेंगे, जिनका टाइम पीरियड होगा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, 1916 से 1921 के बीच में, ठीक है? यानी कि जो 20वें वॉइस रॉय होंगे इंडिया के अंदर, दीपक मिश्रा, कल हो जाएगा पूरा, टेंशन मत लो। कल की क्लास में क्या करेंगे, मैंने सोचा था कि आज सारी कर देंगे, मैं सोच रहा था एक्चुअली कि इसको हर पॉइंट, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ये गवर्नर जनरल थे, उनके तीन तीन चार चार पॉइंट थे, तो मैं उसको उस वे में ही कराने की, फिनिश कराने की सोच रहा था, कि ऐसे ही ख़त्म करके, जैसे मैंने पिछले 4-5 जल्दी जल्दी लपेटे हैं, तो मैं उस वे में सोच रहा था। लेकिन मेरे को लगा यार, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जितना डीप बताया जाए उतना बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, उतना आपके CDS में आसानी हो जाएगी। क्योंकि रिवीजन कोर्स में क्या है, ये रिवीजन कोर्स में दो दो तीन तीन पॉइंट है, लेकिन मैं उस वे में बिल्कुल क्रैश कोर्स की तरह ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बता दूंगा, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। बेसिक से 2 घंटे कल लग जाएंगे, मैं ऐसा सोच रहा था कि 1 घंटे के अंदर हो जाएगी, मैं कुछ बहुत चीज़ें छुटवा दूंगा, लेकिन मन नहीं कर रहा छुटवाने में, क्योंकि चीज़ें मेरे को रटी पड़ी है, और जब तक मैं बोल नहीं देता, जब तक मेरी सारी चीज़ें बता नहीं देता, मैं आगे बढ़ा ही नहीं जाता मेरे से। और आपने पता होगा कंटेंट, आपको खुद पता है मैंने कितना ही कवर करा है, या 4-4, 5-5 पॉइंट लिखे हैं रिवीजन कोर्स की तरह की, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें। तो फॉर्मेलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए फॉर्मेलिटी कराना वो गलत होगा, फिर आप लोग करोगे भी, यहाँ पे टाइम भी लगाओगे, फिर वहाँ से अगर नहीं आया तो फिर इस क्लास का मतलब ही क्या बनता है। मान लो कि हम अपने वे में ये बोल दें कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म होगी, और वो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने क्लास के अंदर कराई नहीं हो, तो फिर ऐसी क्लास लेने का, ऐसी क्लास कवर कराने का क्या ही फ़ायदा। तो करो तो बिल्कुल पूरे वे में करो।